हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज मैं गेहूं के आटे से हलवा बनाने वाली हूं। ये देख लीजिए, मैंने शक्कर एक कटोरी भर के पानी में डाल दिया है। थोड़ा सा हल्का सा गर्म करूंगी कि शक्कर घुल जाना चाहिए। उसे उतार के रख दिया साइड में। ये मैंने डाला घी, ये पतंजलि का घी है, और मैंने डाल दिया है घी। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो डालूंगी मैं इसमें। पहले इसे भून लेती हूँ। ऐसे बनाते तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है खाने में। और जैसे लगता है कि प्रसादी बनती है ना, उस टाइप का बन जाता है। गुरुद्वारे में बनते हैं ना हलवे, वैसे। इसमें मैंने गेहूं का आटा डाल दिया एक कटोरी भर के। अब इसे अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। ऐसे चलाते रहना। मुझे 6-7 मिनट हो चुके हैं और अभी 6-7 मिनट इसे और अच्छे से भूनूंगी। ये देख लीजिए, इसका कलर चेंज होने लगा है। भूना नहीं रहेगा बरोबर तो कच्चापन आएगा इसमें से, इसलिए भूनने में बहुत टाइम लगता है आटा को। अब इसमें मैं जो चीनी घोली थी ना, वो छान लेती हूँ। पानी भी मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया है चीनी में, क्योंकि पानी रहेगा तो अच्छे से आटा पक जाएगा। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें इलायची भी है कुटी हुई, सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसी तरह से इसे पकाना है। वैसे आटा भी हमारा अच्छी तरह से भुना हुआ है। और ये फिर से मैं ऊपर से घी डाल देती हूँ। इसे स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। देखो, किसी भी चीज़ में जब लागत लगती है तो ही स्वाद आता है। वैसे नहीं आने वाला ये हलवा ना, इतना बढ़िया बनेगा ना कि आपको मैं क्या ही बताऊं। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। जैसे लग रहा है कि नवरात्रि का टाइम है, हलवा बन रहा है, लेकिन आज यहाँ पे बारिश हुई है इसलिए मैंने बना दिया। मैं बोली ठंडा मौसम है और हमारे बच्चों को ना बहुत पसंद है, ये बहुत ही पसंद है। देखो, घी पूरा छूटने लगा है, हलवा हमारा पक चुका है। पूरा 20-22 मिनट हलवा बनाने में टाइम लगा है। देखो, अच्छे से पक चुका है हलवा हमारा, रेडी है। दोस्तों, आपका भी मन करे बारिश में बनाएं और पूरा परिवार एंजॉय करें। ये देख लीजिए कितना बढ़िया है। और जो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ना, सब बढ़िया से फूक गए हैं। आप भी दोस्तों ऐसे ही बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। बारिश का मौसम है, मीठा खाने का ही मन करता है। बाय।